गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश ऑफ एट्थ क्लास लेसन नंबर वन दैट इज अ पोएम केयरिंग एंड शेयरिंग द नेम ऑफ द पोएम इज केयरिंग एंड शेयरिंग इन हिंदी केयरिंग मींस किसी चीज की परवाह करना शेयरिंग मतलब किसी भी चीज़ को मिल बांट करके उपयोग में लाना इन दिस वर्ल्ड इट इज़ वेरी इजी टू लिव इफ यू लर्न टू स्माइल एंड गिव इस दुनिया में हमको जीना बहुत आसान हो जाएगा किसी भी व्यक्ति का जीना आसान हो जाएगा यदि हम मुस्कुराना सीख लें और दूसरों को चीज देना सीख लें वाइप द टर्स विश द नीडी शेड ऐसे लोगों के आंसू पहुँचो जिन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा ना कर पाने पर बहुत रोए हैं यानी कि जो दुखी लोग हैं जो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे दुखी लोगों के हम लोगों को आंसू पहुंचने चाहिए काउंट नॉट द पीपल हुम यू हैव फेड कभी ये मत गिनो कि हमने कितने लोगों की कितने ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करी है इट्स गॉड्स ग्रेज दैट यू हैव सर्व अदर ये भगवान की कृपा है ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है कि आप दूसरों उन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप दूसरों की सहायता कर सको दोज इन गॉनी एंड नन बट योर ब्रदर वो लोग जो दुख तकलीफ में हैं गॉनी मीन्स दुख तकलीफ़ में हैं परेशान लोगों हैं वो कोई और नहीं वह तुम्हारे भाई हैं ओनली द मर्सी हार्ट एंड टॉयल Hands, जो मर्सी हार्ट मर्सी हार्ट मतलब जो दयालु दिल वाले व्यक्ति होते हैं वही क्या कर पाते हैं वही दूसरों के सहायता के लिए हाथ उठा करके के उनकी सहायता करते हैं तो मतलब इस लाइन में ये बोला गया है कि हमें दयालु दिल का होना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कैन ब्रिंग हैप्पीनेस टू दूव ऑन दिस लैंड और जैसे कि हम दूसरों की यदि हम सहायता करते हैं तो इससे क्या होगा सब जगह खुशहाली आ जाएगी और जो इस धरती पे दुख दर्द है पीड़ाएँ हैं वह सब खत्म हो जाएंगी सो गेटअप गो एंड शेयर दैट यू कैन इसी लिए आप उठो और चलो और देखो जो भी चीज़ आप दूसरों को शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ मिल बांट के उपयोग में ला सकते हो उसको उपयोग में लाओ यू कैन मैसेज यू आर द मैसेजर ऑफ गॉड जस्ट नॉट अ मैन तुम एक केवल आदमी नहीं हो तुम एक केवल व्यक्ति नहीं हो तुम एक भगवान के संदेश वाह संदेश देने वाले व्यक्ति हो यानी दूत हो ब्रिंग जॉय एंड रिड्यूस द सफरिंग ऑफ दिस वर्ल्ड और इस दुनिया में अब तुम तुम ही हो जो खुशियाँ ला सकते हो और इस दुनिया की जो दुख है उनको कम कर सकते हो वेकअप इन योर प्लेजर डोंट बी क्रुएल आप, क्यों, आप क्योंकि आपकी सब चीज़ें आपके पास हैं तो आप बड़े प्लेजर मतलब बहुत सुख आनंद में जीवन जी रहे हो तो इसमें पोएट कह रहा है कि अपने सुखों से ऊपर उठो निर्दय मत बनो और सबकी सहायता करो इसका मतलब इस पोएम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर किसी से चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे मिडिल क्लास हो हमको एक कोई भी सामान एक दूसरे से शेयर करना चाहिए और एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए